मानसून तो हर बेस ताजा अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मानसून 2020 के लेटेस्ट अपडेट की। साथ ही आने कौन से 5 राज्यों में भीषण आंधी तूफान की और बारिश का लेकर अलर्ट जारी हुआ है आने वाले 18 से लेकर 72 घंटों के लिए। तो क्या अपडेट, चलिए जान लेते हैं आज का, यानी कि 10 मई 2020 का। तो चलिए जानते हैं अपडेट को। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों देश के इन क्षेत्रों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट, भीषण आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। कोरोना वायरस की महामारी के बीच इस समय उत्तर भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है। दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि शनिवार रविवार के उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में एक बार फिर से भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है आने वाले 18 से लेकर 72 घंटों के लिए, जो कि अगले हफ्ते की शुरुआत तक जारी रहेगा। यानी आने वाले दोस्तों 4 से 5 दिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी। भारी बारिश की आशंका के चलते मौसम विभाग ने देश के 5 राज्यों में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 से लेकर 12 मई के बीच तेज बारिश के आसार। दोस्तों द वेदर चैनल भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि 9 मई यानी शनिवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और जो उत्तर पश्चिम भारत में मौसम को प्रभावित करेगा, जो कि 12 मई तक जारी रहेगा। इस पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमोत्तर मैदानी इलाकों में 9 से 12 मई के बीच तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। बारिश के अलावा इन इलाकों में बिजली कड़कने, ओले गिरने और तेज हवाओं के चलने की आशंकाएं जताई गई है। इन 5 राज्यों के लिए जारी हुआ है ऑरेंज अलर्ट। जिन 5 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें है पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी एडवाइजरी जारी की है और खराब मौसम की आशंकाओं को देखते हुए लोगों को विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा है। इसके साथ ही रविवार को राजधानी के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की आशंकाएं भी जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार को भी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार चेतावनी दी गई है कि 5 राज्यों में सोमवार तक मौसम बिगड़ने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार को भी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते देश भर में लगभग आधे उत्तरी हिस्सों में मौसम की स्थिति ऐसी रहेगी जिससे किसानों को विशेष तौर पर नुकसान पहुंचेगा। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। दोस्तों अगला अपडेट है मानसून को लेकर। इस साल सामान्य रहेगा मानसून। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। हालांकि जून के महीने में सामान्य से कम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं जुलाई का महीना भी लगभग सूखा गुजरने वाला है। इसके बाद अगस्त और सितंबर के महीने में झमाझम बारिश की उम्मीदें जताई गई है। मौसम विभाग के इस बार बारिश के पैटर्न और उसमें बदलाव की प्रक्रिया के कारण मानसून के आने और जाने में होती रही देरी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत और वापसी की तारीखों को संशोधित भी किया जा सकता है। समय से पहले देश को कवर करेगा मानसून। दोस्तों हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत में मानसून के पहुंचने के मुख्य समय यानी केरल में इसे दस्तक देने के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जालंधर जैसे शहरों में मानसून की शुरुआत की तारीख 13 जुलाई थी, लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अब यहाँ मानसून पहुँचने की तारीख बदलकर 28 जून की गई है। इससे इस बात से संकेत मिलते हैं कि इस साल देश के एक बड़े हिस्से में मानसून समय से पहले पहुँच जाएगा। मध्य और पूर्वी भारत में मानसून के पहुँचने में 3 से 7 दिन की देरी। मौसम विभाग के अनुसार हमारे विश्लेषण के मुताबिक मध्य और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में मानसून के पहुंचने में 3 से 7 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन ठीक उसी समय मानसून राजस्थान के क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा जल्दी प्रस्थान करेगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि इस साल मानसून पूरे देश में एक हफ्ते पहले सक्रिय हो रहा है। मानसूनी बारिश सामान्य रूप से 14 जुलाई तक देश के पूरे हिस्से को कवर कर लेती है, लेकिन इस बार यह 7 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लेगी। तो बड़ा अपडेट है दोस्तों मानसून को लेकर और मौसम विभाग को लेकर। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट और बड़े अपडेट को, बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट।